हेलो स्टूडेंट्स, आरआरपी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः फिजिक्स सेकंड में हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, है ना। हिंदी में इसकी बात करें हम तो संधारित्रों का आवेशन तथा निरावेशन। एक कंडीशन होगी जब हम किसी भी आवेश को या किसी भी संधारित्र को आवेशित करेंगे, उसे चार्ज करेंगे, है ना। यानी कि किसी भी कैपेसिटर को हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ठीक, तो चार्ज को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग को आवेशन शब्द बोलते हैं। और डिस्चार्ज जब वो यूज हो जाएगा तो क्या कहता है, डिस्चार्ज यानी कि निरावेशन। तो इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आवेशन की घटना को समझते हैं, इसके बाद निरावेशन को। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, देखिए आवेशन है ना, यहाँ पर एक चित्र बनाया है हमने, ठीक। और इसे चित्र न कह के हम सर्किट कहें ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सर्किट को हिंदी में हम बोलते हैं परिपथ, ठीक। कुछ शब्दों को आप जानिए क्योंकि आप सर्किट शब्द से परिचित होंगे, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, परिपथ, ठीक। यहाँ पर देखिए सी से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को, यानी कि यह एक क्या है आपका, कैपेसिटर है, यानी यह एक संधारित्र है जिसकी धारिता क्या है, सी है। और इसी से आप देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में ही, श्रेणी क्रम में ही एक रेजिस्टेंस आर वाला प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रतिरोधकता आर वाला एक प्रतिरोध रजिस्टर क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक। यहाँ पर देखिए एक टू वे स्विच है, दो मार्गी स्विच बोलते हैं इसको। कहने का मतलब है कि आप देखिए ध्यान से, इस वायर को आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं और इससे भी, है ना, एस फॉर स्विच होता है, ठीक। अभी ये कहीं कनेक्ट नहीं किया गया है, ठीक। तो ऐसे स्विच को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विमार्गी स्विच, टू वे स्विच भी बोलते हैं, है ना, द्विमार्गी स्विच है, ठीक। यहाँ पर एक बैटरी जोड़ी गई है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि वैद्युत वाहक बल कितना है, ई है, क्लियर। एक कैपेसिटर जिससे श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना, एक रजिस्टर जुड़ा हुआ जिसका रजिस्टेंस आर है, ठीक। यह एक टू वे स्विच से जुड़ा हुआ है और एक बैटरी है, है ना। अभी देखिए बैटरी से इसको कनेक्ट नहीं किया गया है। कैपेसिटर को जब भी आपको चार्ज करना होगा तो उसे क्या होगा, आपको करंट सप्लाई देनी पड़ेगी। यहाँ पर हम करंट को देने के लिए ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एक बैटरी का यूज करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है, ठीक। अब मान लीजिए आपने स्विच को यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, इस वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप इस वायर से आप इसको कनेक्ट करेंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, है ना, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आपने कुंजी को स्टार्ट कर दिया, वैसे ही यहाँ से आवेश जो है चलने लगेगा, यानी कि कुल मिलाकर के करंट क्या होगी, फ्लो होने लगेगी। और इस तरीके से जो कैपेसिटर इस बैटरी से जुड़ा हुआ है वह चार्ज होने लगेगा। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आगे कि जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है, यानी कि जब यहाँ से करंट जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक कि यह कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज नहीं हो जाता, यानी कि जब तक यह पूर्ण रूप से चार्ज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर लिखा गया कि जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है तो इसके प्लेटों के मध्य विभवांतर E के बराबर हो जाता है, यानी कि इस कैपेसिटर के प्लेटों के मध्य का जो विभवांतर होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, इस बैटरी से, जो जिस बैटरी से चार्ज हो रहा है, यानी इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E के, वैद्युत वाहक बल E के बराबर हो जाता है। और जैसे ही यह फुल्ली चार्ज हो जाएगा, वैसे ही यहाँ से फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, बंद हो जाएगा, यानी परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कब, जब यह कैपेसिटर पूर्ण रूप से चार्ज हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर हमने लिखा है कि जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है, यानी कि चार्ज हो जाता है, तो इसके प्लेटों के मध्य विभवांतर E के बराबर हो जाता है। E क्या है, बैटरी का वैद्युत वाहक बल, है ना, आप चाहे तो इसे लिख लें, बैटरी का वैद्युत वाहक बल, इसको EMF शॉर्ट में बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। आइए आगे देखते हैं। अब हम एज्यूम करते हैं कि जैसे मान लीजिए जब भी हमने इस स्विच को ऑन किया, जैसे ही हमने इस स्विच को ऑन किया, तो आफ्टर टी टाइम, मतलब कुछ समय के पश्चात, जिसको उस समय को हमने टी से रिप्रेजेंट कर लिया, टी से ले लिया, ठीक है, कि आफ्टर टी टाइम संधारित्र पर जो कैपेसिटर है, इस पर जो है आवेश जो है क्यू आ जाता है, है ना। हमने जो है भाई, ऐसा तो है नहीं जैसे आपने जोड़ा बैटरी से कैपेसिटर को, सडन तुरंत जो है आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, उसे टाइम लगेगा। तो हमने एक टाइम पीरियड लिया कि मान लिया हमने कि टी समय के बाद
इसकी जो चार्जिंग है कैपेसिटर की, वो क्यू आवेश को मतलब वो स्टोर कर लेता है, ठीक। और उस समय परिपथ में धारा का मान क्या है, आई है, ठीक। तो टी समय के बाद जब इसमें क्यू चार्ज स्टोर होगा तो देखिए कुछ घटनाएं घटित होंगी यहाँ पर, है ना। अब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, सी है, ठीक। और यदि आपने टी समय के बाद मतलब इसको करंट आई देना शुरू किया, तो अगर आई लेकर के करंट यह अपने आप को चार्ज करेगा तो इसके प्लेटों के बीच का विभवांतर है ना, तो आप जानते हैं हमने आपसे कहा कि भाई आपने इसको बैटरी से जोड़ दिया, करंट आई की सप्लाई इसमें होने लगी और आवेश क्यू इसमें जाकर क्या है, स्टोर होने लगा। तो आफ्टर टी टाइम के बाद इसके प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, आवेश बटा कैपेसिटेंस के, है ना। ये हम पहले जानते हैं भाई, आपने पढ़ा है ना संधारित्र सी इक्वल टू क्यू बाई वी, तो विभवांतर भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, तो क्यू बाई सी हो जाएगा। यानी कि टी समय के पश्चात जब इसको क्यू आवेश मिल गया तो इसके प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा, क्यू बाई सी होगा। उसी टाइम पे यदि हम इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करें, है ना, फ्लो ऑफ करंट क्या है, आई है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, आर है, तो बाई ओम्स ला वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है कि नहीं होता है, ये आप जानते हैं पहले से भी, ठीक। ओम्स ला, हालांकि फोर्थ यूनिट में भी हमें ओम्स ला फिर पढ़ना है, बाकी क्लास टेंथ में भी आपने पढ़ा होगा, ये क्लास एट्थ में भी आ जाता है ना, ठीक। तो ओम्स ला के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर, यहाँ पर आर क्या है, रजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, आई क्या है, फ्लो ऑफ करेंट, और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आई आर, और इस जो दोनों विभवांतर होगा ये किसके बराबर होगा, इस सेल से आपने जोड़ा तो इस सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगा, यानी E इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस आई आर। ये चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर क्यू बाई सी हो जाएगा, और प्रतिरोध की है ना जो रजिस्टेंस है, इसको हम लोग हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, तो प्रतिरोध के सिरों के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा वो क्या होगा, आई इंटू आर होगा। और इस कंडीशन में, इस दशा में जो बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा, यानी E इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस आई आर। और यहाँ से आपको मिल गया इक्वेशन नंबर वन, यानी एक समीकरण आपको यहाँ से प्राप्त हो गया, समीकरण एक, ठीक। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, थोड़ा सा मैथ भी आएगा बीच में, घबराएंगे नहीं, है ना, समझेंगे आप, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर आप देखिए, माना हमने एज्यूम कर लिया कि जब हमारा जो कैपेसिटर है भाई टी टाइम के बाद तो इसमें क्यू आवेश आया था, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा जब ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा, तो जब ये पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है तो उस समय इस कैपेसिटर में जो आवेश स्टोर हो जाता है उसे हमने एज्यूम कर लिया क्यू नॉट, है ना, ठीक। और जब ये पूर्ण रूप से चार्ज हो जाएगा तब यहाँ से करंट सप्लाई, फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, बंद हो जाएगा, और उस समय परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि माना पूर्ण रूप से आवेश संधारित का आवेश क्यू नॉट है, और पूर्ण आवेशन पर पहले भी हमने बताया, और पुनः देखिए जैसे ही वो पूर्ण रूप से चार्ज हो जाएगा, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण आवेशन, कम्प्लीटली चार्ज कैपेसिटर के लिए आई का मान परिपथ में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी फ्लो ऑफ करंट बंद हो जाएगा। भाई कैपेसिटर था, चार्ज हो रहा था, तब तक तो करंट को डिमांड कर रहा था, जैसे ही कम्प्लीटली चार्ज हो गया करंट की डिमांड खत्म हो जाएगी, तो सर्किट में फ्लो ऑफ करंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब यह पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है तो क्यू का मान क्यू नॉट हो जाता है, और आई की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं, देखिए क्यू की जगह क्या आ गया, यहाँ क्यू था तो क्यू की जगह हमने क्यू नॉट कर लिया बाई सी प्लस आई इंटू आर की जगह जीरो इंटू आर, तो ई टर्न पूरा आपका जीरो हो जाएगा, यानी ई इक्वल टू क्यू नॉट बाई सी आ जाएगा। और इसी मान को, यानी ई की जगह हम क्यू नॉट बाई सी को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं, तो क्यू नॉट बाई सी बराबर क्यू बाई सी प्लस आई आर हमें मिल जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए, हम इसको क्या करेंगे, पछाड़ कर लेंगे, तो इस तरफ जब ये आएगा तो क्यू नॉट बाई सी माइनस क्यू बाई सी होगा, है ना, ठीक। तो अब ये देखिए बराबर ही है, तो क्यू नॉट माइनस क्यू बाई सी इसको आप लिख सकते हैं, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक। फिर देखिए क्या होगा आपका, अब देखिए आई बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं वैद्युत धारा आई बराबर आवेश बटा समय, ठीक। आई का एग्जिस्टेंस कब है, जब वो पूर्ण रूप से चार्ज नहीं है, है ना, पूर्ण रूप से चार्ज होने के बाद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी थोड़ी मात्रा में चार्ज है, तो हम यहाँ आई की जगह क्या लिख सकते हैं,
डी क्यू बाई डी टी, समय के कुछ हिस्से में वह कुछ चार्ज को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। तो I की जगह हम क्या रख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, और ये कैसे आया, क्योंकि धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। हर एक चीज़ का रीजन है, आराम आराम से चीज़ों को समझेंगे सब आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्यू नॉट माइनस क्यू बाई सी बराबर आई की जगह क्या हम रख लिया, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। ठीक, अब देखिए डी क्यू, तो जो q का टर्म है उसको एक तरफ रखेंगे, डी टी को एक तरफ करेंगे और दोनों पक्षों को इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान रखेंगे जो कॉन्स्टेंट हैं, जो नियतांक होते हैं, उनका न तो समाकलन होता है न तो अवकलन होता है, उनको एज इट इज हम बाहर निकाल लेते हैं। और दो चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि प्रतिरोध की प्रतिरोधकता और संधारित्र की धारिता, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, ये क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, यानी कि कैपिटल सी और कैपिटल आर यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, आर को यहाँ पर ले आप पक्षांतर करके, है ना, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में था, बराबर के इधर आया तो क्या हो गया, डिवाइड में चला गया। ठीक, पक्षांतर भी आप जानते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड, है ना। ठीक, जब भी बराबर के इधर उधर आप चीज़ों को ले जाते हैं तो इसी हिसाब से हम उसको पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या था, आर यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ आ गया तो ये चला गया, डी टी यहाँ नीचे था ऊपर आ गया। ठीक, और क्यू के टर्म को एक तरफ लाना था तो यहाँ ये देखिए ऊपर था, इधर नीचे आ गया, यानी कि यहाँ से मिल गया आपको डी टी अपॉन सी आर इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने पर जब आप समाकलन कर देंगे तो यहाँ देखिए ये जो कि क्या है, इसको अगर हम सही से लिखें तो इस तरीके से हो जाएगा ये डी टी एक वन बाई सी आर। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा आपका, वन अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू इंटू डी क्यू। ठीक, तो वन अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू यानी कि वन बाई एक्स का डी एक्स के साथ जब इंटीग्रेशन आप करते हैं तो लॉग बेस ई एक्स वैल्यू आती है। ठीक, तो यहाँ क्यू नॉट माइनस क्यू का डी क्यू के सापेक्ष हमने किया है वन बाई डी क्यू माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू है, तो ये भी क्या होगा, ऊपर आएगा लेकिन इसके साथ लॉग के साथ आ जाएगा, क्योंकि बी से माइनस आने तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ई, और प्लस के क्या है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, समाकलन स्थिरांक। बाकी इसको डेप्थ में आप मैथ में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जानते रहिए कि वन बाई एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है, वो क्या होता है, लॉग बेस ई एक्स होता है। ठीक, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद तो इसी तरीके से देखिए टी, अच्छा यहाँ पे डी टी का है ना, तो डी टी का तो यहाँ पर क्या है, टी के पावर जीरो, और इसका जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो टी के पावर, टी के सापेक्ष करना है तो टी के पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, यानी कि टी के पावर वन बाई वन इक्वल टू टी, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या गया, टी और वन बाई सी आर तो कॉन्स्टेंट था तो वो ऐसे ही रहेगा, माइनस लॉग ई, माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ माइनस था, लॉग बेस ई है ना, इसे नेचुरल लॉग ही बोलते हैं, और q नॉट माइनस क्यू प्लस k, जहाँ पर k क्या है, आपका एक इंटीग्रल कॉन्स्टेंट है। इस तरीके से आपका आ गया इक्वेशन नंबर टू। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो चूंकि जब हमारा आवेशन स्टार्ट हुआ था, यानी कि आवेशन को स्टार्ट होने के पहले अगर हम बात करें तो, यानी कि t इक्वल टू जीरो टाइम पर, है ना, t इक्वल टू जीरो टाइम पर, ठीक, हमारे q की वैल्यू क्या थी, शून्य थी, आवेश की वैल्यू क्या थी, शून्य थी। भाई जब चार्जिंग हमने स्टार्ट ही नहीं किया था तो कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी t इक्वल टू जीरो पर q इक्वल टू जीरो। इस वैल्यू को हम समीकरण नंबर दो में अगर पुट करें तो यहाँ देखिए जीरो अपॉन सी आर इक्वल टू माइनस लॉग ई क्यू नॉट माइनस जीरो प्लस के, यही मिलेगा आपको, है ना। या यहाँ से अगर आप देखिए तो k की वैल्यू, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, अगर इसको हम इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा k इक्वल टू लॉग बेस ई क्यू नॉट, ये किसकी वैल्यू आ गई, k की आ गई, है ना, k इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, लॉग बेस ई क्यू नॉट, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक एक बार ढंग से आप चीज़ों को नोट कर लें, फिर इसके आगे हम लोग इसको भी कंटिन्यू करते हैं। अभी ये हल नहीं आया है, अभी इस k की वैल्यू को हम इस समीकरण दो में पुनः पुट करेंगे, है ना, उसके बाद जो है आपका पूरा सॉल्व होगा। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो k की वैल्यू आ गई थी, k इक्वल टू लॉग बेस ई क्यू नॉट, इस वैल्यू को हम पुनः समीकरण नंबर दो में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए समाकलन स्थिरांक k का मान समीकरण दो में रखने पर क्या मिलेगा आपको, t बाई सी आर, देखिए t अपॉन सी इन टू आर इक्वल टू माइनस लॉग बेस ई
क्यू नॉट माइनस क्यू प्लस के की जगह हम क्या रख देंगे लॉग बेस ई क्यू नॉट, है ना, जो यहाँ से हमें मान मिला था। ठीक, तो इस वैल्यू को हमने समीकरण नंबर दो में पुट कर दिया, अब इसका कोई काम नहीं। आगे चलिए, जब इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक, तो अब देखिए पचांतर किया हमने, तो लॉग बेस ई क्यू नॉट माइनस क्यू क्या क्या है, माइनस है, इसको जब इधर लाया तो क्या हो गया प्लस हो गया, ये प्लस से इधर लाया तो माइनस हो गया, ये देखिए यहाँ प्लस से इधर लाया तो ये भी क्या हो गया माइनस टी अपॉन सी आर हो गया। चलिए इसके बाद देखिए, आप जानते हैं लॉग एम माइनस लॉग बेस ई एम माइनस लॉग बेस ई एन इक्वल टू क्या हो जाता है लॉग बेस ई एम अपॉन एन। ठीक, ये लॉग सॉल्व करने का फॉर्मूला है, क्लास नाइन्थ वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं जानते तो यहाँ जान लीजिए। और अगर ये मान लीजिए प्लस होता है तो क्या हो जाता है डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई होता है लॉग एम इंटू एन, है ना, तो ये आप समझते रहिएगा, जो कि यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट, है ना, ये आ गया यहाँ पर। ठीक, अब इधर क्या था माइनस टी अपॉन सी आर। ठीक, जब लॉग को ई को हम पछांदा करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के पावर के रूप में टर्म आ जाता है। ठीक, जब लॉग इधर से इधर गया तो ई के पावर माइनस टी अपॉन सी आर, है ना, ये पूरा क्या होगा ई के पावर के रूप में चला जाएगा, तो इसको सॉल्व करने में हमें ए मिल गया क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू ई के पावर माइनस टी इंटू टी अपॉन सी आर। ठीक, यहाँ से देखिए क्यू नॉट को जब हम पछांदर करेंगे तो क्यू नॉट के इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई के पावर टी अपॉन सी आर। ठीक, फिर यहाँ से हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि हमें वैल्यू क्यू की निकालनी थी, तो क्यू नॉट इधर जाएगा तो देखिए यहाँ क्या है प्लस है, इधर गया तो माइनस हो गया, ये ऑलरेडी यहाँ कुछ नहीं तो प्लस था ही, तो देखिए प्लस क्यू नॉट ई के पावर माइनस टी अपॉन सी आर, या क्यू जब इस माइनस साइन को हम हटाएंगे, है ना, इधर ट्रांसफर करें तो माइनस माइनस प्लस प्लस की जो है माइनस हो जाएगा, और क्यू नॉट को हम पछांतर कर लेंगे तो हमें यहाँ पर ये चीज़ आपको फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक, इसके बाद आप देखिए Q इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई के पावर टी अपॉन सी आर मिल गया, है ना, तो ये आपका इक्वेशन आ गया, यही आपका मेन इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए जो C इंटू आर है ना, C क्या है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर और R क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, ये दोनों क्या है एक कांस्टेंट फंक्शन है ना, और T अपॉन सी आर आने से इसका मतलब जो डायमेंशन T का होगा वही क्या होगा सी आर का भी होगा। ठीक, यानी कि समीकरण से स्पष्ट है कि जो सी आर की बीमा होगी वह समय की बीमा होती है, यानी कि इसका भी मात्रक क्या आएगा आपका सेकेंड आएगा, है ना। ठीक, सी आर का मात्रक भी क्या होगा सेकेंड ही होगा, और यह एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग सी आर को परिपथ का क्या बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, यानी कि परिपथ का कलांक बोलते हैं, है ना। तो परिपथ जब आप आगे पढ़ेंगे तो अभी इंडक्टेंस भी आएगा, तो जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप पढ़ते ना परिपथ एल सी आर परिपथ सी आर परिपथ, तो ये सी आर परिपथ है क्योंकि यहाँ पर सी और आर का कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है। ठीक, और परिपथ के कलांक को, है ना, यानी टाइम कॉन्स्टेंट को हम टाऊ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाऊ एक ग्रीक लेटर है ना, टाऊ से हम क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाऊ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा सी इंटू आर यदि हो, तो मतलब ये टाइम कांस्टेंट है ना जिसको हम सी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कि समय हमारा टी इक्वल टू क्या है सी इंटू आर है, तो अब इस इक्वेशन में आप टी की जगह क्या करेंगे सी आर रख देंगे, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा क्यू नॉट क्यू इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई के पावर सी आर अपॉन सी आर, है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यानी ई के पावर क्या जाएगा माइनस वन आ जाएगा, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे वन माइनस ई के पावर माइनस वन तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.632 इंटू क्यू नॉट, यानी यहाँ से आपको मिल गया Q इक्वल टू 0.632 क्यू नॉट। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो परिपथ कलांक CR है यह वह टाइम है ना, परिपथ कलांक CR वह टाइम है जिसमें कोई भी संधारित कोई भी कैपेसिटर, ठीक है, अपनी पूर्ण कैपेसिटी का यानी अपने अधिकतम आवेश का 0.62 है, इसका परसेंटेज हम निकालेंगे क्या आ जाएगा 63.2%, है ना। ठीक, यानी कि CR टाइम कांस्टेंट वह समय है जिसमें कोई भी संधारित अपने पूर्ण आवेश का 63.2% आवेशित हो जाता है। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं, ठीक, इस तरीके से आप यदि इसका ग्राफ खींचें, है ना, और इस पर हम मान लीजिए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आवेश को, और इस पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी आर को यानी कि टाइम कांस्टेंट को। ठीक, क्यू नॉट हमारा क्या है पूर्ण आवेशन की स्थिति है ना। ठीक, और जब हम इसको यहाँ से चार्ज करना इस तरीके से
जब हम स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा हमारा क्या होगा, ये चार्ज होता चला जाएगा। तो यहाँ से ऐसे 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 चार्जिंग आपका क्या होगा, स्टार्ट होता चला जाएगा, ठीक। और मैक्सिमम आवेशन कितना मिला आपको, थोड़ा और सही से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ द क्यू होगा, ये आपका 63.2% यानी 63.2 मिलेगा। अगर हम इसे उस तरीके से बनाएं तो 0.632 क्यू नॉट है ना। और यह वैल्यू इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, ये क्या था आपका क्यू नॉट था, इस पर आपने आवेश रिप्रिंट दिया गया। इस तरीके से इसका जो आवेशन का क्या होता है, ग्राफ बनता है समय के साथ साथ, है ना, अपनी पूर्ण क्षमता का। 0.632 क्यू नॉट क्या है, जब ये पूर्ण रूप से आवेशित होता है, इतना क्या है आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, है ना। तो ये ग्राफ भी एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आवेशन के डेरिवेशन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये आपको ढंग से आना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद जो है आपका क्या आता है, निरावेशन, है ना, डिस्चार्जिंग, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, कैपेसिटर का निरावेशन, है ना। देखिए मैक्सिमम पार्ट इस चैप्टर का हो गया है, निरावेशन के बाद कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स होंगे जिनको डिस्कस किया जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आई थिंक 14-15 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, अभी इसमें न्यूमेरिकल पार्ट है कुछ जिसको कराना है, कराया जाएगा आपको, है ना। पढ़ते रहिए इस डेरिवेशन को, जहाँ पर भी आपको दिक्कत आती है वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लिया करिए और कमेंट में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नोट्स प्रॉपर बनाइए, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बेसिक हैं। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट इस बात का बिल्कुल ध्यान देंगे कि ये चीज़ें आपको बार बार पढ़ना है, मोर देन वन सब्जेक्ट पढ़ना है, इसलिए इन चीज़ों को आप समझ लें। थैंक यू।